ड्रग्स फ्री देवभूमि को लेकर उत्तराखंड सरकार लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उत्तरकाशी पुलिस को नशे के खिलाफ कार्रवाई कर बड़ी कामयाबी मिली है। नशे के विरुद्ध पुलिस ने जनपद में जंग उदयन छेड़ रखी है, जिसके तहत नशे के आदि हो चुके युवकों की काउंसलिंग कर जीवन के मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 और मुहिम उद्यान के अंतर्गत अवैध नशे की खेती पर कार्रवाई की गई। इस दौरान टीम ने करीब 133 नाली भूभाग पर पैदा की गई अफीम पोस्ट की खेती को नष्ट किया। अफीम की पैदावार करने वाले 12 भूस्वामियों के विरुद्ध थाना धरासु पर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। मामले में अन्य भूमाफियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एसपी अर्पण यदुवंशी ने बताया कि पुलिस ने पिछले साल करीब 1000 नाली से अधिक भूभाग पर अफीम और चरस की खेती को नष्ट किया था। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। 2.65 हेक्टेयर जो कि करीब 133 नाली भूभाग पर पैदा की गई प्रतिबंधित अफीम और पोस्त की खेती को नष्ट किया गया है, और ये पुलिस की टीम और राजस्व की टीम का संयुक्त ऑपरेशन था ये। और ये जो की गई है, हमने विनिष्टीकरण की कार्रवाई, ये चौकी बंचोरा जो थाना धरासू के अंतर्गत आती है, और उसमें एक गांव आता है गढ़गुलिया व भौतान नामक तोप, यहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इतनी अफीम जो है नष्ट की गई है। जब इस पता किया गया कि इसके भूस्वामी कौन है, तो इसमें पता चला कि हमको 12 लोग हैं जो 12 भूस्वामी हैं, उनके विरुद्ध जो है एनडीपीएस की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।